नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भ्रमितो बाल है, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तंद्रालु बाल है लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत्। तंद्रालु बाल है आलसी बालक, तंद्रालु बालक आलसी बालक। लज्जया तृतीया विभक्ति एक वचन है, जैसे लतया, उसी प्रकार से लज्जया लज्जा से। तेसाम उनकी, किनकी, उन दूसरे बच्चों की दृष्टि पथम अपि परिहरण, उनकी दृष्टि पथ को भी परिहरण हरण करते हुए, अर्थात उनसे छुपते हुए उनकी दृष्टि पथ से ओझल होते हुए, उनकी दृष्टि पथ से ओझल होते हुए, एकाकी अकेला, एकाकी अकेला, किमपि किसी उद्यानम बगीचे प्राविशत प्रवेश किया, प्रवेश किया। एक बार और देखेंगे। तंद्रालु बाले आलसी बालक, आलसी बालक। लज्जया लज्जा से तेषां दृष्टिपथम उनकी दृष्टि पथ से, अपि परहरन ओझल होते हुए अर्थात उनसे छुपते हुए, एकाकी अकेला किम अभी किसी उद्यानम बगीचे में प्राविशत प्रवेश किया। अब यहां पर साथियों, जैसे किमापि है, इसमें संयोग है, किम प्लस अपि, ये संयोग है। नेक्स्ट बाल है, ये कर्ता है। इससे पहले जो तंद्रालु है, ये बालक का विशेषण है। बालक कैसा था? तंद्रालु था। तो विशेषण तंद्रालु है, तो तंद्रालु का विशेष्य क्या होगा? बाल है। लज्जया तृतीया विभक्ति एक वचन है, और तेषां तत् शब्द है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दृष्टि पथम, दृष्टि पथ को, उनकी दृष्टि के मार्ग को, उसके देखने के मार्ग को, अभी भी परिहरण, परिहरण में परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग री धातु है और सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, और वो भी पुल्लिंग है, सत्री प्रत्यय पुल्लिंग है। एकाकी अकेला किसी बगीचे में प्रवेश किया। प्राविशत, प्राविशत में प्रे उपसर्ग है, प्रे उपसर्ग विष धातु और लंग लकार है, प्रे उपसर्ग विष धातु लंग लकार में प्राविशत प्रवेश किया। तो प्रश्न हमसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो आप बताएंगे बाल्य। बाल्य का विशेषण पद क्या है, तो आप बताएंगे तंद्रालु। ठीक है, अब बाल है, इसका क्रियापद क्या होगा? क्रिया क्या होगी? तो क्रिया क्या होगी साथियों? प्राविशत, ये क्रिया होगी प्राविशत। और परिहरण, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो बताएंगे सत्री प्रत्यय है, परिहरण में सत्री प्रत्यय है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, स अचिंत्यत, इसके बाद से अचिंत्यत, से उसने अचिंत्यत सोचा। अचिंत्यत चिंत धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष एकवचन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? से अचिंत्यत उसने सोचा, उसने सोचा, से अचिंत्यत उसने सोचा।
विरमंतु एते वराथा पुस्तक दास। क्या सोचा? विरमंतु एते वराथाः पुस्तक दासा। पुस्तक दासा, विरमंतु का मतलब टहरी, टहरे। क्या एते ये वराथा बेचारे पुस्तक दासा, पुस्तक के दास है, अर्थात जिसको बोलते हैं हम पढ़ाकू हैं, और कई बार बोलते हैं कि किताबी कीड़े हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन टहरे टहरे ये बेचारे पुस्तक के दास, ये बेचारे पुस्तक के दास टहरे हैं। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि। नेक्स्ट क्या है? अहम तू आत्मानं विनोदयिष्यामि। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, अहम तो मैं तो आत्मानं स्वयं का विनोदयिष्यामि, मनोरंजन करूंगा, ऐसा वो तंद्रालु बालक अपने मन में सोचता है। अहम तो मैं तो, अहम तो मैं तो आत्मानं स्वयं का विनोदयिष्यामि, मनोरंजन करूंगा, ऐसा सोचता है। तो यहां पर साथियों अहम क्या है? कर्तृपद है। तू क्या है? अव्यय है। आत्मानं द्वितीय विभक्ति एक वचन है। विनोदयिष्यामि ये क्या है? क्रिया। ठीक है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, और विनोदयिष्यामि अहम की क्या है? क्रिया। अहम की क्रिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। क्या? जैसे अहम तू, प्रश्न पूछा जाता है अहम तू आत्मानं विनोदयिष्यामि। इति अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पदम किम्? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो स्वयं का मनोरंजन करूंगा, इसमें कर्ता पद क्या है? कर्तरी पदम किम, कर्ता पद क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? अहम। ऐसा ही वाक्य दिया जाता है कि इति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, कर्ता के स्थान पर आ गया, यहां पर क्रियापदम, क्रियापदम किम, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? विनोदयिष्यामि। अत्र क्रियापदम विनोदयिष्यामि अस्ति, यहां पर क्रियापद विनोदयिष्यामि है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति देखिए, यहां पर क्रियापद क्या है? विनोदयिष्यामि। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूये क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम्। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब, संप्रति मीन्स अब। विद्यालयं गत्वा, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, अब विद्यालय जाकर, भूये फिर क्रुद्धस्य क्रुद्धस्य क्रोध के उपाध्यायास उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम न इच्छामि, मुखम दृष्टुम नैव इच्छां। नेक्स्ट पंक्ति यह, तो जानिए संप्रति मीन्स अब, विद्यालयम विद्यालय, गत्वा जाकर, भूये फिर,
क्रोधस्य क्रोधित हुए, उपाध्यायस्य शिक्षक का मुखं मुह दृष्टुं देखना नैव नहीं इच्छामि चाहता हूं। क्लियर। अब देखिए संप्रति मीन्स अब विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर भूये फिर क्रोधस्य क्रोधित हुए उपाध्यायस्य शिक्षक का मुखं मुख मुह दृष्टुं देखना नैव इच्छामि नहीं चाहता। इसका अनुवाद हुआ क्या अब विद्यालय जाकर फिर क्रोधित हुए शिक्षक का मुंह देखना नहीं चाहता हूं। इसका अनुवाद ये हुआ। अब जानते हैं साथियों यहां पर जैसे संप्रति ये क्या है अव्यय है। संप्रति क्या है अव्यय है। ये गत्वा इसमें गम धातु है और तत्वा प्रत्यय गत्वा विद्यालय द्वितीय विभक्ति एकवचन है। भूये ये भी अव्यय है भूये गम। फिर क्रोधिस क्रुद्धस्य यहां पर सप्तमी प्रत्यय है षष्ठी विभक्ति एकवचन। उपाध्यायस्य इसमें भी षष्ठी विभक्ति एकवचन है। नेक्स्ट मुखम मुह द्वितीय एकवचन। दृष्टुम दृष्ट धातु है और तुमन प्रत्यय दृष्ट धातु और तुमन प्रत्यय है। नैव यहां पर नैव में नै धन एव वृद्धि संधि नै धन एव वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है इच्छामि। इच्छामि में धातु क्या है इस धातु है और लकार कौन सा है साथियों लट लकार। इस धातु लट लकार है। उत्तम पुरुष एक वचन है। इस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है इच्छामि। अब इच्छामि का कर्ता क्या होगा तो इच्छामि का कर्ता होगा साथियों अहम। क्या होगा इच्छामि का कर्ता होगा अहम ये करता होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे जानते हैं इससे नेक्स्ट पंक्ति है क्या कि एते निष्कुष्ट वासी ने प्राणी ने एव मम वयस्य संतु इति। एते निष्कुट वासी ने एते निष्कुटवासी ये कोटर में निवास करने वाले कोटरवासी ने निष्कुटवासी ने मीन्स कोटरवासी ने प्राणी ने एव प्राणी ने है एव प्राणी ही मम मेरे वयस्य वयस्य मीन्स मित्र संतु हों संतु हों इति इस प्रकार। क्या है नेक्स्ट एते निष्कुष्टवासी ने ये निष्कुष्टवासी ने का मतलब कोटर में निवास करने वाले प्राणी ने एव प्राणी ही मम वयस्या मेरे मित्र संतु हों इति इस प्रकार। ये विचार करता है कौन करता है तंद्रालु बाल है। तंद्रालु बाल है विचार करता है कि एते मीन्स ये निष्कुष्टवासी ने कोटर में निवास करने वाले प्राणी ने प्राणी एव ही मम वयस्य मम मीन्स मेरे वयस्य मित्र संतु हों संतु हों ये कोटर में निवास करने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हों। तो विद्वान साथियों इसके जो प्रश्न और उत्तर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।